और हमारा आज का टॉपिक है आत्मिक घर कैसे बनता है। हालेलुया। अगर हम इस पे चलें तो इसके ऊपर भी बहुत से टॉपिक और हमने कुछ टॉपिक बना रखे हैं पवित्र बाइबल में से और मेरे ही चैनल पर आप देख सकते हैं, लेकिन आज कुछ अलग परमेश्वर मुझे आपको बताने के लिए कहा। और अगर हम पवित्र बाइबल पढ़ते हैं उसमें बहुत से ऐसे टॉपिक है जो आत्मिक आगे बढ़ने के हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ आपको कि आत्मिक घर कैसे बनता है। हालेलुया। अगर हम पढ़ते हैं मत्ती 7:24 में, यहाँ पर दो मनुष्य के बारे में लिखा गया है। लिखा है कि घर बनाने वाले दो मनुष्य हैं, एक बुद्धिमान और दूसरा मूर्ख। इसमें से मैं आपको बहुत जरूरी बात आपको बताऊंगा और मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि लोग जो हैं वो चाहते हैं कि हम इस वचन को हम जानें और समझें, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ इस वचन को। और वचन कहता है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। मी बरसा और बाढ़ आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है उन पर नहीं चलता वह उस निर्बुद्ध मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। मैं बरसा, बाढ़ आई, आंधियां चली, उस घर से टकराई, वह घर गिर कर सत्यानाश हो गया। हालेलुया। आज इसी वचन में से मैं आपको बताऊंगा कि आत्मिक घर कैसे बनता है। हालेलुया। चलो इस वचन को छोड़कर हम हमारे रियल लाइफ में चलते हैं। एक दो मनुष्य हैं, उन दो मनुष्यों के इसी के अंदर में आपके परिवार की बात भी करूंगा, आपके हालातों की बात भी करूंगा, जो आपके साथ होता है उनके बारे में बात करूंगा। दो मनुष्य है, एक मनुष्य प्रभु में आया, दूसरा मनुष्य भी प्रभु में आया। उसके बाद क्या हुआ, वो धीरे धीरे परमेश्वर के भवन जाने लगे। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को, दोनों ने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया और एक प्रार्थना में आगे बढ़ रहा है, आराधना में आगे बढ़ रहा है, स्तुति में आगे बढ़ रहा है, वचन में आगे बढ़ रहा है और उपवास में आगे बढ़ रहा है, सेवा में आगे बढ़ रहा है और उसकी परमेश्वर आराधना में आगे बढ़ रहा है, वचन में आगे बढ़ रहा है, दान भेंट दशमांश में आगे बढ़ रहा है और वह हर एक बात में जो परमेश्वर की आज्ञा है उसमें आगे बढ़ रहा है। और एक दूसरा मनुष्य है वो भी ऐसा कर रहा है कि वो प्रार्थना में जा रहा है और बाइबल भी पढ़ रहा है और प्रार्थना भी सुन रहा है, प्रार्थना भी कर रहा है, आराधना भी कर रहा है और वो भेंट भी निकाल रहा है और वह क्या कहें उसको कि चर्च भी जाने लग गया है और सेवा भी करवाने लग गया है। आप बताएं दोनों में क्या अंतर है? कुछ लोग कहेंगे कि दोनों सेम है। ये एक आत्मिक घर की बात कर रहा हूं मैं, जैसे मैंने वचन पढ़ा वहां पर भी दो घर बने हुए हैं, दोनों सेम हैं, दोनों घर सेम हैं। आपको ऐसे लग रहे हैं कि दोनों घर अच्छे हैं, वो भी घर ऐसा, वो भी घर ऐसा है, इस घर में भी टाइल्स लगी और इस घर में टाइल्स लगी और इस घर में भी एसी लगा और इस घर में भी एसी लगा है, लेकिन उनमें अंतर आपको मैंने बताया कि एक घर है वो चट्टान पे बना हुआ है और एक घर है वो रेत पे बना हुआ है, रेत के टीले पर बना हुआ है, लेकिन दोनों के रूम में एसी लगा हुआ है, दोनों के घर में एसी लगा हुआ है, दोनों के पास अच्छी अच्छी गाड़ी है, दोनों के पास अच्छा अच्छा जमीन है, अच्छा अच्छा पैसा है, बहुत अच्छा चल रहा है। ऐसी मसीह लोगों को मैंने बारे आपको बताया इन दोनों के बारे में कि ये प्रभु में आगे बढ़ रहा है, आराधना में आगे बढ़ रहा है, दान भेंट दशमांश में आगे बढ़ रहा है, सेवा में आगे बढ़ रहा है, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ रहा है, प्रचार में आगे बढ़ रहा है, प्रार्थना में आगे बढ़ रहा है, बाइबल पढ़ने में आगे बढ़ रहा है और एक है वो बढ़ रहा है, वो चर्च जा रहा है, वो दशमांश निकाल रहा है। इनमें बहुत अंतर आ गया इन बातों के अंदर। इनके अंदर अंतर ये आ गया कि जब बाइबल बता रही है कि जब आंधी तूफान आया वो जो घर जो रेत के टिल्ले पर बना हुआ था वो नीचे गिर गया, वो ढह गया, लेकिन जो दूसरा घर था जो चट्टान पर बना हुआ था वो घर नहीं गिरा। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारा घर है, जो आत्मिक घर है, ये एक चट्टान पर बना हुआ होना चाहिए। आत्मिक आप तभी बनोगे अगर आप परमेश्वर में हो। परमेश्वर में होने के लिए हमें परमेश्वर में होना ही उचित नहीं बल्कि आत्मिक बढ़ने के लिए हमें आगे बढ़ना है। मैं आपने इस वचन को शायद ध्यान से नहीं सुना होगा मेरी बात को, मैंने ये बोला था कि एक इंसान है वो चर्च की सेवा में आगे बढ़ रहा है, प्रचार में आगे बढ़ रहा है, वचन में आगे बढ़ रहा है, सेवा भाव में आगे बढ़ रहा है, परमेश्वर की मर्जी पूरी करने में आगे बढ़ रहा है, परमेश्वर की आज्ञाओं में आगे बढ़ रहा है, दान भेंट दशमांश मंतों में आगे बढ़ रहा है, लाइव सुनने में आगे बढ़ रहा है, वचन पढ़ने में आगे बढ़ रहा है, प्रार्थना करने में आगे बढ़ रहा है, हर एक काम में आगे बढ़ रहा है, और जो दूसरा इंसान वो सिर्फ पढ़ रहा है। इन मंत्र ये है कि जब हमारे जीवन में मुश्किलें आ जाती हैं, जब हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जब हमारे जीवन में
फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी हो जाती है कि हमें मांग कर खाना पड़ता है, कि हमारे हालात ऐसे हो जाते हैं कि मौत से बदतर हमारे हालात हो जाते हैं, तब जो इंसान आगे बढ़ रहा था, जब उसके साथ ऐसा होता है, शैतान उसके पास अगर उसके कहता कि चल छोड़ परमेश्वर को, जैसे अय्यूब के पास शैतान आया था, परमेश्वर वचन कह रहा है कि उसने कहा परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया। ये उसने इसलिए कहा था क्योंकि अय्यूब बहुत आगे बढ़ चुका था, बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ चुका था, और उसके साथ उसकी अर्धांगिनी वो भी प्रार्थना करती थी, वो भी स्तुति करती थी, वही जो अय्यूब कुमार था वही वो खाती थी, लेकिन उसने क्या कहा, परमेश्वर को छोड़ दें। कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रभु में जब चलते हैं वो अपना घर टिल्ले पर बना लेते हैं, हालेलुया, वो अपना घर टिल्ले पर बना लेते हैं, ऐसे जैसे मैंने आपको बताया कि वो प्रार्थना तो करते हैं लेकिन जब मुसीबत आ जाती है तब उनका घर गिर जाता है, वो आराधना तो करते हैं लेकिन जब मुसीबत आता है उनका घर गिर जाता है, वो वचन तो पढ़ते हैं लेकिन जब आराधना करते हैं उनका घर गिर जाता है, हालेलुया, आराधना करते घर कैसे गिर जाता है, जब उनके ऊपर कोई संकट मुसीबत आ जाती है वो आराधना को छोड़कर बीच में से भाग जाते हैं कि नहीं नहीं वो काम जरूरी है, परमेश्वर की आराधना से कुछ नहीं होगा, हालेलुया। ये अंतर है आत्मिक जीवन का। जो आत्मिक घर बनाना चाहता है, जैसे मैंने बोला, हर एक बात में आगे बढ़ना है, हर एक बात में आगे बढ़ना है, जो वही है, आप किसी चर्च में जाते होगे, आपने नोटिस किया होगा कि एक इंसान पीछे बैठता था, आज वो आपके सामने स्टेज पर है। कुछ लोग हमारे चर्च में भी देखते हैं, अरे ये लड़का तो हम इसको जानते तो नहीं लेकिन इसके पास बैच है, हम इसको पहचानते तो नहीं लेकिन ये तो नया लड़का आने लग गया, ये तो नई बहन आने लगी है, ये कहाँ से आए हैं, ये कौन है, ये लोग वही सोचने लग जाते हैं, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर उन्हें आगे बढ़ाता है क्योंकि वह आगे बढ़ते हैं। और आपने ये भी देखा होगा कुछ टीम को लोग घट भी जाते हैं, बढ़ते बढ़ते कम भी हो जाते हैं, फिर हम सोचते हैं कम कैसे हो गए, जो लघु काम है सोचना, वो कम ऐसे हो जाते हैं क्योंकि उनके अंदर क्या जाता है, अविश्वास आ जाता है, हालेलुया, क्योंकि वो गिर जाते हैं, चलते चलते वो रुक जाते हैं, जब उनके ऊपर मुसीबत संकट आते हैं वो छोड़ जाते हैं, हालेलुया। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आत्मिक बढ़ने के लिए हमें आगे बढ़ना है हर एक बात में। अगर आप वचन पढ़ते हो, पढ़ो ही नहीं बल्कि उसको मानो भी, मानो ही नहीं बल्कि उसको और गहराई में जाओ उस वचन की, बहुत स्टेप पे इस चीज के। प्रार्थना आप करते हो, कोई बात नहीं, हर एक इंसान प्रार्थना करके सोता है, लेकिन आप प्रार्थना करो, प्रार्थना के अंदर दर्शनों को मांगो, दर्शनों के अंदर परमेश्वर से बात करने के जिद को पकड़ो, हालेलुया। कुछ लोग दर्शन भी देखते हैं लेकिन आत्म दर्शन कैसा है कि प्रभु जी मैं तेरा हूं, मैं तब तक नहीं उठूंगा जब तक मुझे दर्शन ना दोगे, हालेलुया। तो ये आगे बढ़ने के हैं, आत्मिक आगे बढ़ने के राज कि करते चर्च में सब जाते हैं। आपने देखा नहीं, कहते कोई यार मेरी पड़ोस में आती थी वो तो उसका पति का जीवन तो बदल गया और उनके घर में मिरेकल मनी भी हो रही, मैं तो कहती हूँ प्रभु मिरेकल मनी और मेरे जीवन में हो नहीं रही है। और कुछ लोग कहते हैं कि मेरे पड़ोस इसको तो मैं ही लेके आई थी, इसके कैंसर था वो ठीक होगा लेकिन मेरे तो खांसी नहीं जा रही है, ये कैसे क्यों, ये गड़बड़ क्यों हो जाती है। क्योंकि जब वो आती है, कैंसर का पेशेंट आता है, वो विश्वास से आता है कि मैं परमेश्वर के भवन में जा रहा हूँ, वो हर जगह से घूमता फिरता क्या होता है, आया होता है, वो कहता कि नहीं अब परमेश्वर मेरा है। लेकिन आपके साथ चमत्कार क्यों नहीं होता, क्योंकि आप कहते हो परमेश्वर तो मेरा है, परमेश्वर तो मेरा है। आपने इस बात को नोटिस किया होगा कि जो बार बार घर में आता है उसकी इज्जत कम हो जाती है। और अगर आपके रिश्तेदार है वो आपके घर में बार बार आता है, हर तीसरे दिन आता है, आप उसकी इज्जत करना बंद कर दोगे। अगर वही आपके घर में एक साल के बाद आता है तो आप उसको बहुत इज्जत मान दोगे। जब परमेश्वर के साथ हम 24 घंटे रहते हैं, परमेश्वर की इज्जत मान नहीं देते हैं, हम कहते हैं आनी प्रार्थना नहीं करनी, नहीं वचन नहीं पढ़ना, नहीं नहीं आराधना नहीं करनी, सत्संग में नहीं जाना, नहीं नहीं उपवास नहीं रखने। लेकिन जब कोई मुसीबत आ जाती है फिर हम परमेश्वर के पास दौड़ जाते हैं, प्रभु कहेंगे अच्छा अब आ गया है मेरे पास, अब क्या लेने आया है। जब तेरे हालात अच्छे चल रहे थे तब तू कह रहा था कि मुझे परमेश्वर की जरूरत नहीं, ना तू प्रार्थना करता था, ना तू आराधना करता था, ना तू भजन गाता था, ना तू संडे चर्च में जाता था, ना तू कुछ करता था परमेश्वर के, ना कोई बीजता था परमेश्वर के लिए, अब क्या करने आया है, हालेलुया। फिर भी परमेश्वर हमारे पर कृपा कर देते हैं। तो परमेश्वर के लोगों, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो करना क्या है, हमें, मैंने दो इंसान बताए, ये मैंने रियल बातें बताई क्योंकि मैं लोगों के घरों में जाता हूँ प्रार्थना करने के लिए, मैंने देखा लोगों को, बहुत से ऐसे लोग हैं
वो क्या करते हैं, परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। इसीलिए दूर हो जाते हैं क्योंकि कहते कि नहीं, अब तो मेरे परिवार में समस्या आ गई है, मेरे ना परिवार में ये संकट आ गया है, मेरे ना पति ऐसा कर गया मेरे साथ, मेरी पत्नी ऐसे कर गई मेरे साथ, मेरे बच्चे ऐसे कर गए मेरे साथ। तो अगर आप आत्मिक होंगे, इस बात को ध्यान से समझे, अगर आप आत्मिक होंगे तो आप पौलुस और सिलास की तरह अपनी मुसीबतों के पहाड़ को भूकंप से हिला दोगे। कहीं आमीन। उन्होंने भूकंप ला दिया था जेल के अंदर, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ही सब कुछ करने वाले हैं। उन्होंने भूकंप ला दिया था जेल के अंदर। अगर आप आत्मिक होंगे, जब आपको समस्या घेर लेगी, जब आप परमेश्वर का नाम लोगे तो भूकंप आएगा, हर का बंधन टूट जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। छोटी सी बात की गहराई को समझे कि घर तो दोनों सेम ही लगते हैं, मसीह सेम ही लगते हैं। कोई 20 साल से मसीह, कोई 30 साल से मसीह, कोई 5 साल से मसीह, लेकिन अचानक 6 महीने वाला मसीह स्टेज पर आ जाता, क्यों आ जाता है वो? क्योंकि वो आत्मिक बन चुका है, वो परमेश्वर का प्यासा है। आत्मिक बनने के लिए हमें परमेश्वर के प्यास में डूबना है, बहुत ज्यादा डूबना है, परमेश्वर के लवलीन में डूब जाना है। मैं नहीं कह रहा कि आप काम दाम छोड़ो, मैं नहीं कह रहा, जब आप परमेश्वर के समय दे रहे उस समय पूरा डूब जाए, परमेश्वर का लवलीन हो जाए परमेश्वर के अंदर, हालेलुया, तो ही आप घर बना पाओगे। अगर आप सिर्फ अपनी प्रार्थनाओं को आगे नहीं बढ़ा रहे हो, अपनी आराधना को आगे नहीं बढ़ा रहे हो, आप संडे को आराधना में जाते हो, आप जिद पकड़ के जाओगे प्रभु आज मैं चंगा छुटकारा पा के आऊंगा, यह आत्मिक। आज परमेश्वर जी बहुत दिन हो गया, अब 6 महीने से मेरे पति ने मुझसे बात नहीं की ना, अब देखो मैं आत्मिक बन रहा हूँ, अब मैं प्रार्थना करने वाला हूँ परमेश्वर के नाम से, आज परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनेगा, हालेलुया, और परमेश्वर मेरे जीवन में चमत्कार करेगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि पति से बात करेंगे आत्मिक, इसमें भी एक लॉजिक है। लॉजिक यह है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर से दूर हो रहे हैं क्योंकि उनकी प्रॉब्लम ऐसी चल रही है, फैमिली प्रॉब्लम ऐसी चल रही है, जो कह रही मेरी प्रार्थना करने का मन नहीं लगता। और क्यों नहीं लगता? क्योंकि उनके जो चारों तरफ के हालात हैं वो हालात नहीं सुधर रहे हैं। वो आत्मिक बनना चाहते हैं लेकिन चारों तरफ के हालात, परिवार का हालात ऐसा है, भाई का हालात ऐसा है, और पड़ोस का हालात ऐसा है, और रिश्तेदारी का हालात ऐसा है, कोई भी नहीं, अकेला वो इंसान रह चुका है, वो करे क्या, वो कैसे आत्मिक बन सकता है? वो आत्मिक नहीं बन सकता। पहले उसको मुश्किलों को पीछे करना पड़ेगा, और मुश्किलों को पीछे करने के लिए उसको आत्मिक बनना पड़ेगा। आत्मिक बनने के लिए उसको प्रार्थना करनी पड़ेगी, और प्रार्थना करने के लिए उसका मन लगना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बस वही समझ सकता है कि जो इन हालातों से गुजरा हुआ है। जब उसका मन बदलेगा, जब उसके अंदर चमत्कार धीरे धीरे शुरू होगा, तब क्या होगा, वह आत्मिक वाली लाइन में जाएगा। लेकिन इसमें एक और बात है कि जो इंसान पहले से आत्मिक है, जो इंसान पहले से आत्मिक है, चाहे उसके ऊपर 1000 मुसीबतें आ जाए, उसका बच्चा चला जाए इसके पास से, उसका पति चला जाए, वो उसको किसी से कोई मतलब नहीं होगा, वो सिर्फ प्रभु में लवलीन होगा। लेकिन जो आत्मिक परमेश्वर लवलीन होगा, उसके पास सब कुछ उसको मिल जाएगा जो उससे छीना गया है। लेकिन मैं वो बात कर रहा हूँ कि जो घर बना रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं, जो पहले से आत्मिक, उसकी बात नहीं कर रहा मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो आत्मिक घर बना रहे हैं। और आत्मिक घर बनाने के लिए आपने यही करना है कि जो आप कर रहे हो, प्रार्थना, उपवास, संडे चर्च जाना, परमेश्वर के लिए बीज भेजना, हर एक काम में आपको बढ़ना है आगे, वहीं रुकना नहीं है। प्रार्थना का समय बढ़ाएं, वचन पढ़ने का समय बढ़ाएं, बाइबल पढ़ने का समय बताएं, आगे बढ़ाएं, हर एक काम का आगे बढ़ाएं ताकि आप आत्मिक बन सकें। आज आप 20 साल पहले 10 रुपए निकालते थे परमेश्वर के लिए, और आज 20 साल बाद भी परमेश्वर के लिए 10 रुपए निकालते हैं, तो आप आगे नहीं बढ़े अभी तक। ये घर बनाने के लिए आत्मिक। और एक बात और, जब आप आत्मिक बन गए, जब आपने घर बना लिया आत्मिक वाला, तब आंधी तूफान आएंगे लेकिन आपको गिरा नहीं पाएंगे। आगे फैमिली प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब जो शैतान करता है, ये तो आत्मिक बढ़ रहा है इसको मैं गिराता हूँ, कोई ना कोई प्रॉब्लम करेगा शैतान। लेकिन जब हम आत्मिक हैं, जिस तरह अलीशा को चारों तरफ से घेर लिया था, वो सब घबरा गए, पूरा गांव घबरा गया, लेकिन अलीशा क्या कह रहा है कि परमेश्वर इसकी आत्मिक आंखें खोल लो। जब उसने आत्मिक आंखों से देखा, चारों तरफ अग्नि में रथ थे। कैसे? परमेश्वर ने भेज दिया। पहले वो देख नहीं पा रहा था, लेकिन अलीशा देख पा रहा था, लेकिन अलीशा घबराया नहीं मुसीबतों को देख के। जब हमारे ऊपर भी मुसीबतें आ जाएंगी आत्मिक घर बनाने के बाद, शैतान हमेशा पंगे लेता रहता है,
क्योंकि शैतान पंगे हमेशा लेता रहता कोई ना कोई। तो जब हम आत्मिक हैं तो शैतान आपसे कोसों दूर रहेगा, आपका निकट नहीं आ पाएगा, क्योंकि आप आत्मिक बन चुके। आत्मिक बनना मतलब हम परमेश्वर को बहुत ज्यादा क्लोज हो गए हैं, हम बात कर रहे हैं परमेश्वर से, परमेश्वर हमसे बात कर रहा है, हम दर्शन देख रहे हैं परमेश्वर के, हम जब कह रहे हैं परमेश्वर अब मुझसे बात करो प्रभु, तब हमसे बात कर रहे हैं प्रभु, मैंने आपको एक बार और देखना है, तब देख रहे हैं हम। कोई वचन पढ़ेंगे आपको अलग से ज्ञान होगा, एक अलग से नॉलेज होनी शुरू हो जाएगी, और जब आप आराधना करोगे आपके अंदर पवित्र आत्मा आएगा, और जब आप लाइव जुड़ेंगे तब भी आपको सामर्थ्य दिखेगी, जब हर एक बात में आप आगे बढ़ जाओगे। हालेलुया। लेकिन ये एक अलग, ये टॉपिक बहुत बड़ा है लेकिन समय बहुत ज़्यादा हो रहा है, मैं चाहता हूँ कि मैं और भी आपको इसके बारे में बताऊँ लेकिन समय बहुत कम है, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबी चली जाती है तो लोग सुनते नहीं हैं। हालेलुया। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप लोग क्या करें, आत्मिक जरूर जुड़ें। हालेलुया। आत्मिक जरूर जुड़ें परमेश्वर के अंदर, परमेश्वर में। हाँ, प्रार्थना करते स्तुति करते सब सही है। आत्मिक जुड़ने का मतलब जिस दिन आपके ऊपर बहुत बड़ा संकट आ गया, कुछ लोग करेंगे हमें कैसे पता लगेगा हम आत्मिक हैं, कि हमें कैसे पता लगा हम आत्मिक बन चुके हैं। जब आपको बहुत बड़ा संकट आएगा ना, तब आप उसको चुटकी में सोल्व कर लोगे, अरे चल निकल संकट, चल मुसीबत निकल प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इसका मतलब आप आत्मिक बन चुके हैं, विश्वास में प्रार्थना में लवलीन हो चुके हैं। तो परमेश्वर आपको ब्लेस करें, और मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि इस परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो ये वचन मैंने सुनाया है ये इनके अंदर लाख गुना फले, और मेरे पिता ये जी जिसको शेयर करो उसका जीवन ही बदल जाए मेरे पिता, ये भी आत्मिक बने। जो प्यासे हैं इस वचन के द्वारा समझे कि आत्मिक होना कैसे, हम आत्मिक घर बना सकते हैं, और परमेश्वर आपके बीच में अद्भुत कार्य करेंगे और आप आशीष को पाएंगे, शैतान इस वचन को चुराने न पाए। परमेश्वर आपको ब्लेस